हेलो इल्ड्री वाला दिनेश कुछ दिखाना चाह रहा है भाई आज हमको। भाई साहब खटारा गाड़ी देखो, भाई साहब खटारा गाड़ी देख, चार कट्टे माल वाली दो क्विंटल और ये कट्टे पीछे है। कितनी गलत इसकी शक्तियों का इस्तेमाल हो रहा है यार, वाह। क्या चीज है ये? हरी मूंग की दाल। क्या करेगा इसका? ये मंडी में बिकने जाएगा। वाह, कितने पैसे लाएगा बना के? ये पता चलेगा जो भाव बिक रहा है, ये 5,500 रुपए क्विंटल चल रहा है। अच्छा ओके, ये भाई इसकी मारुति की वैगन आर बास मार रही है गाड़ी में। बास कैसे मार रही है? तो मार रही है बास कैसे मार है? देखो क्या करे, इसमें कुछ है नहीं है, ऐसे ही चलाते हैं। ये देखो क्या हो गया इसका पर्दे का, ये फोन है आई लव यू करता है। मतलब समझ गया, इसलिए लगा रहा है चारों कोई दिखे ना जी, आगे में ठग ले जाता है। अच्छा आई लव यू करता है इसलिए भाई इनका भी संशय होना चाहिए। मुझे आज एक नया राज पता चला, धूप से बचने के लिए नहीं, नहीं धूप से बचने के लिए नहीं, आई लव यू करने के लिए आई लव यू। ये क्या होता है इसको थोड़ा और विस्तार में बताओ। बिल्कुल अच्छी बात है। अरे अच्छी तो बात है, और विस्तार में बताओ क्या होती है ये। आ जाओ। ये अगर शीशा भी ना हो, शीशा में तो चालान कट जाता बहुत महंगा, और इसे लगा ले कोई दिक्कत ना, इसे तो कभी भी हटाते भाई, पन्नी तो नहीं है बेस, तो आराम से आई लव यू हो जाता है। हाँ बिल्कुल ओके भाई। और ये भाई इसकी दिनेश पवार की गाड़ी, इसकी 4852 3 नंबर 4811। मैंने तो 1148 बोल रहा था, मैंने उसने बताना क्या नंबर गलत दे दिया यार, अरुण बता कैसे करूँ मैं इसको। मतलब जैसे आपने 1143 1144 ले रखी ना, और किसी अजीत ने 1145 ले रखी, मैंने तो 1148 मांगा, उसने 48 जगह 11 लगा दिया, ये क्या पार्टी है। कोई नहीं, मारुति वाले ने देखो क्या है, देखियो इतनी जल्दी ये पकड़ गई, देख बेच दे इसको, आग लगा दे पेट्रोल डाल के। नहीं आग तो नहीं लगाएंगे अभी, साथ साथ तो इसे चलाएंगे अभी। इसमें जो पेट्रोल डलता है इसके पेट्रोल को निकालो, इसमें छिड़क के इसमें आग बत्ती दिखा दो इसमें को। नहीं बिल्कुल भी ना, आ जाओ। 7 साल चला नहीं है अभी गाड़ी। 7 साल? कितने 7 साल हो गया या 8 साल हो गया? 7 और चला नहीं अभी। तो कितने पैसे मांग रहे हो? कितने? इसके इसके 3 लाख रुपए ले जाओ, इसकी डिमांड है 3 लाख रुपए की। अभी कोई, पकड़ो कोई नहीं लेगा, कबाड़ है कबाड़। ये 20,000 किलोमीटर चली चली है अभी की तो गाड़ी। देख ले इसमें कोई सीएनजी वेजी तो नहीं है, सिंपल पेट्रोल से चला रहे। और ये इसको कितना हो गया साल? हाँ इसका ये पावर स्टेयरिंग है, मुझे चलाना सिखा दे इसको। चलाना सिखाने में क्या है, गियर टूटल करो बस स्टार्ट करो और चलो। कहाँ है की कहाँ है की? ये चाबी लाते हैं अभी, जल्दी लाओ। तो भाई हम पे गाड़ी घोड़ा सब चलाना आता है, 4x4 4x2 बलेनो क्विड सलेरियो सारी गाड़ी आती हैं, लेकिन हम पे ट्रैक्टर नहीं आता यार बताओ। मतलब बाइक आती मतलब सब आता है चलाने को, सब चला लेते हैं, बट ट्रैक्टर नहीं सीखा। बहुत से हमारे गांव में जो बंदे होते हैं मतलब वो पहले ट्रैक्टर सीखते उसके बाद गाड़ी सीखते हैं, वो कहते हैं ट्रैक्टर के बाद गाड़ी सीखना बड़ा इजी होता है, लेकिन हम पे आज तक इसको चलाना ही नहीं आता भाई। और ये दिनेश पे जैसे गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन ट्रैक्टर एकदम परफेक्ट आता है। सो लेट्स आज सीखता हूँ थोड़ा लिटिल सा। इसमें स्पीकर लगवा रहा है कि कोई तो नकली, ये मोहित इसको चलाता है जो भूरे रंग का लड़का है, जिसकी कह रहा था ये आई लव यू करता है उसमें बैठ के। थोड़ा सा ये नोटी बॉय है, ये देखो सुक्की बाबा, पता नहीं कौन सी ब्रांड है, नकली लोकल हाई फाई साउंड सिस्टम, इससे इसमें म्यूजिक सिस्टम भी बसता है। ये चाबी है इतनी सी, काफी मिलती है सी, तो छोटी है काफी। ये डीजल टैंक की है, ये डैक की है, इसकी डैक की है। हाँ। डैक बजता है? डैक बजता है। ओके फोन तो चला यार, हवा काम चालू। फिर आप डांस करते हो? नहीं ये इसे पहले ऑन करा और जब देख रहे। ओके इसमें लगा दूं? तुझे आ रहा हो तो चले जा, हट जाते। हाँ ये क्या वो लड़का जो आई लव यू करता है? हाँ ये वो ये वाला। अच्छा। जिसने अभी कटिंग कराई थी, आज देखो कितना अच्छा लग रहा पोजी कटिंग। ये आपका छोटा भाई है? ये वो आई लव यू ऐसे करता है। क्या ले क्या करूँ इसमें? है ना, ये नहीं छोटी वाली चाबी, ये डीजल टैंक की है। ओके अरे भाई ये स्टार्ट होता है, बैटरी है इसके अंदर? हाँ बिल्कुल न्यूट्रल है, टूट रहा है ये। इसके अंदर ऑटोमेटिक नहीं आता क्या? ऑटोमेटिक
वो ऐसा ऑटोमेटिक नहीं, पावर स्टीयरिंग ही है इसमें सिंपल ही। अरे ये ऑटोमेटिक ये है, ये लो हाई एस है। अरे जैसे मेरा गाड़ी ऑटोमेटिक है इंडिवर। हाँ वो तो बताता रहा हूँ, ये वो जान लगाने के जब भी फट जाते ये लो और आ। ये नहीं कह रहा वो नहीं है, जैसे गियर नहीं बदलने पड़ते। नहीं वो नहीं है इसमें, आ, आ, गियर नहीं पड़ता है। तो कैसे चलाऊंगा बताओ मेरे को भाई। खड़ी है अभी, अरे आगे मोड़ दूंगा भाई। ऐसे तो थोड़ा थोड़ा तो आता ही है यार, मैकेनिज्म तो सेम ही होता है। ये देखो इसमें ना ए होता है हाई और बी होता है लो, शायद ए हाई होता है लो होता है। ये तो लो है और ये आर पैक का है। ओके और ये पी हाई। अच्छा हाई पहले में कर ले ये। हाँ वही मैं कह रहा था ना, हाँ पहला लग गया, अब क्लच छोड़ूंगा ना। हाँ सिंपल सिंपल मैकेनिज्म है भाई। देखो ये रेस है इसकी यहाँ पे। अब दूसरा गियर लगा देते हैं। ये लो लगाओ। अच्छा इतनी जल्दी तीसरा। ओके ये लो भाई तीसरा गियर लग गया। वही है मैं स्पीड के अनुसार इसमें अपने को गियर लगाने पड़ते हैं भाइयों। अब यहाँ पे मोड़ ना हो तो पहले पे। अच्छा हाँ वही मैं समझ गया भाई, वही सेम गाड़ियों वाला मैकेनिज्म है। लेकिन मेरे पे क्लच का भी वो है ना, जैसे गाड़ियों का नहीं सीखते हैं तो थोड़ा वो सिस्टम। अच्छा बैग यहाँ से लगता है। अच्छा सिंपल है यार इतना कुछ, सिंपल है फिफ्टी चलाना तो बड़ा सिंपल है यार। क्लच क्लच छोड़ो और अपना मज मुड़ गया। अच्छा बी दो दूसरे पे उठ जाएगा। ओके अब थोड़ा भगाता हूँ। नहीं हो रहा बंद, चौथे में लगा दूँ। अच्छा अरे भाई कितनी तगड़ी ब्रेक भाई, मजा आया इसमें तो। निकल जाएगा ये तो ज्यादा जान दिखा रहा है। लव यू ओ भाई भाई सीख गया मैं तो। कौन सा चौथा लगा दिया, चौथा। चलो भाइयों को फार्म घुमा के लाता हूँ थोड़ा सा। बैठ जाओ जी बैठ जाओ। दूसरा तीसरे में चल जाएगा। आ गया भाई मेरे पे ट्रैक्टर, अब मैं भी ट्रैक्टर चला पाऊंगा आराम से खुद से। पर मेरे पे ट्रॉली लेके बिल्कुल नहीं चल पाएगा, ट्रॉली का तो उल्टा उल्टा सिस्टम रहता है। चल खेत जोत कहेंगे। चल चलो चौ कहाँ जा रहा है। भाई जॉन डियर में तो मजा आ रहा है। तू घुमा और ये देखो इस तरीके से बंद होता है ये जो इसका लीवर है ना, इसको ऐसे खींच दो, ऐसे खींचे ये, और ये ऐसे शट डाउन होता है। ये की से नहीं होता, इसके इग्निशन से। अभी रुक हैंड ब्रेक कहाँ है। ओके तो भाई मुझे तो आ गया ट्रैक्टर चलाना खूब अच्छे से। अब दिनेश थोड़ा सा कह रहा है भाई ये तो चल तूने रोड पे चला लिया, मैं स्टंट मार के दिखाऊंगा। ये देखो हमारा दिनेश कितना जबरदस्त तरीके से स्टंट मारता हुआ। वाओ वाओ भाई कुछ नहीं, एक साइड का टायर वो रोक रखा है। इसमें क्या है ब्रेक दोनों का अलग अलग लगती है ना, दोनों टायर्स की, तो ऐसे इस तरीके से सिस्टम चलता है। देखो कितनी तगड़े स्टंट मार रहा है जॉन डियर से। बेचारे जिसकी प्लॉट है उसको ऊपर ये क्या यू खाड़ रहा है, जो नुकसान हो रही है। तो ये शू ये नाइस, मजा आ गया। आठ बना दिए छोरे ने आठ। तेल भूगना कोई दिनेश पवार जो खींचे ये।
गाइस, लाइक करें। बस ओ बस 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 भाई काम करके मारने को बस बस हो गया काम भाई। ऑफ रोडिंग करके अब हम आ गए हैं घर पे। अरे भाई तेरे घर पे क्या चल रहा है आज? ये मुंह की छनाई हो रही है ये घर के लिए खाने के लिए। वो जो वैगनार में रखे कट्टे वो ही है। ये क्या खेत में होता है? क्या खेत में होता है ये भाई? ये पंखा चल रहा है देखो, कोई गलती से इसके उसमें आ गया तो काट देगा। ये बड़ी होती है इसमें लगते हैं दाने ये। अच्छा अरे अरे से ठीक है ओके। सब्जी खाते हैं इसे। दाल ये बाल है हरी दाल दाने। ये खेत में बोते हैं इसको ही बोते हैं इससे ही आ जाएगी। एक बाल्टी में 10 किलो की बीज में ये किलो में। अच्छा भाई ये तो काफी बड़ा टल भी निकल जाती है यार। देखो वो कितना अच्छा साफ निकल गई भाई। अभी घर पे खाया करेगा दिनेश इसको। देखिए कितनी गंदगी हो जाती है यार इससे। बताऊं पंखा से इन मुंह को धान भी बरसाते हैं पंखा से, ट्रैक्टर वाले पंखा से, पर मुंह भी बरसाते हैं, गेहूं भी बरसाते हैं, सारे काम करते हैं इनसे। चलो भाइयों आज ट्रैक्टर की ट्रेनिंग हमारी काफी काफी ज्यादा हो गई। क्या चला लियो ट्रैक्टर चलाने में कहा है? चला लियो वाह। इतनी खातर डाल तो मैं भी डर करता हूँ। ये क्या है भाई? सो मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो। ये चोर आ जाते बच गई होए हटियो देख ली जब इतू के भले थे। ये तो मेरी किडनैपिंग हो गई लगता है। वाओ पकड़ वाओ। देखो भाई दिनेश कितनी सेवा कर रहा है, आगे कूलर चल रहा है और सोफे पे मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ। चलो भाइयों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय लाओ।